हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। तो भाई लोगों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैंटो टूर के बारे में। बात नहीं करने वाले गाइस, बट अगर आप लोगों कैंटो टूर के बारे में जानना ही है या फिर आपको नहीं पता है, तो गाइस आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों जगह पर मैं कैंटो टूर वाली वीडियो लगा दूंगा, वो देख लेना। उसमें काफ़ी मैंने अच्छी अच्छी बातें बोली हैं गाइस। सो गाइस, जब भी कोई बड़ा इवेंट स्टार्ट होता है, अगर आप लोगों को याद है गो फेस्ट जब स्टार्ट हुआ था, तो उससे पहले गाइज एनिवर्सरी आती है पोकेमोन गो की गाइज, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं गाइज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। वैसे ही जब अब कैंटो टूर आ रहा है गाइज, तो उससे पहले ये लोग बाकी टूर्स पूरे करा रहे हैं। अब ये साल में पहली बार नहीं हो रहा है, मतलब 2021 में पहली बार हो रहा है, बट 2020 में भी हुआ था गाइज, बट इसके नाम अलग थे। और वो ये था थ्रोबैक चैलेंज। थ्रोबैक चैलेंज में गाइज सभी के टूर टाइप की चीज़ हुई थी गाइज। एक रिसर्च मिली थी जो कि टुडे फील्ड में थी, और जिसको कंप्लीट करने पे आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही थी गाइस, काफ़ी बढ़िया। जिसको कंप्लीट करना भी इतना हार्ड नहीं था, एक वीक का काम था। वैसे ही अब ये एक नया शुरू हो रहा है गाइस, तो इन लोगों ने स्टार्ट कर रहे हैं गाइस अननोवा रीजन से। तो इस वीडियो में गाइस एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो कि आपको लास्ट तक देखनी है, तब चलेगा पता। तो देखते हैं वो क्या चीज़ है और वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, पहली बार हो, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हो और मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हो, तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें गाइस फटाफट से। गाइस फटाफट से लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि भैया रेट्स होती हैं शाम को लाइव स्ट्रीम में। हालांकि वहां पर टारगेट हिट होने का वेट करना पड़ता है, बट रेट्स ज़रूर होती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए रेट्स ज़रूर होती हैं गाइस। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना और चलते हैं गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये जो टूर है गाइस, टूर बोल सकते हैं इसको भी, ये एक इवेंट है जो कि आपका चलेगा January 5, 2021 से लेके ये चलेगा गाइस आपका 10 January तक गाइस। तो जान की बात है भैया, 5 January से 10 January तक की का टूर है गाइस। ये लोकल टाइम पे चालू होगा, तो सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा और 5 January को और 8 बजे शाम को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फीचरिंग की बात करें गाइस, तो उसमें एक नया शाइनी, मतलब नया शाइनी बोल सकते हैं, तो स्नीवी का कम्युनिटी डे का लोग वेट कर रहे थे, कम्युनिटी डे आएगा तो शाइनी रिलीज होगा, बट पोकेमोन गो इज़ क्वाइट स्मार्ट, पोकेमोन गो ने काफ़ी झटके दिए हैं। तो उसी तरीके से गाइस यहाँ पर इन्होंने स्नीवी का बिना कम्युनिटी डे दिए शाइनी रिलीज़ कर दिया है। शाइनी रिलीज़ है ना गाइस, कमेंट जरूर करना कि शाइनी इसका रिलीज़ हो रहा है कि पहले से शाइनी है, बता देना कमेंट में यार, कहीं पर फालतू गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं। सो गाइस यहाँ पर आपको बता दूँ कि स्नीवी का शाइनी आपको अवेलेबल हो जाएगा, और टैपिक ओसोवॉट इनके अभी शाइनी नहीं है, लिली पप का शाइनी शायद से है गाइस। तो बाकी पोकेमोन के नाम पढ़ सकते हैं, जिसमें कि ट्रूबिश के बारे में आप लोग थोड़ा कमेंट कर सकते हैं कि ट्रूबिश के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है। 12 किलोमीटर का जब अंडा फूटता है और जब ट्रूबिश निकलता है, तो आपके मुँह का क्या हाल होता है गाइस। और यहाँ पर हाल ही में रिलीज़ हुआ था गाइस फेरो सीट का भी शाइनी, बहुत शानदार है गाइस। तो देखते हैं कि वो मुझे मिल जाए, तुम लोगों को चाहे ना मिले बट मुझे मिल जाए गाइस। आगे बढ़ते हैं भाई, 5 किलोमीटर एक में से बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकल रही हैं। तो कैरा ब्लास्ट वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फेवरेट आई थिंक। शेलमेट भी काफ़ी अच्छा है गाइस, सारे अच्छे हैं। इमोलगा इज ऑल्सो कमिंग इन 5 किलोमीटर एक, जो कि मैंने 10 किलोमीटर अंडों से हाल ही में फोड़ा था गाइस। फिर सारे पोकेमोन अच्छे हैं गाइस, आप लोग नाम पढ़ सकते हैं, बाकी नीचे सब टाइटल चल रहे होंगे गाइज, अगर नहीं चल रहे होंगे तो वेट कर लो, थोड़ी देर में चलने लग जाएंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर है एक्सक्लूसिव फील्ड रिसर्च, जो कि पोके स्टॉप वालों के लिए ये एक अच्छा फीचर है कि पोके स्टॉप घुमाओ और आपको कुछ रिसर्च मिलेगी, जो कंप्लीट करने पे आपको पोकेमोन्स इनकाउंटर हो सकते हैं या फिर कुछ भी आपको मिल सकता है। आगे चलते हैं गाइज, जहाँ पर आपको रेट्स के बारे में काफ़ी ये लोग बताना चाहते हैं। तो 1-star रेट हो गया, 3-star रेट्स हो गए गाइस। तो ये कुछ पोकेमोन्स हैं, तो इनमें से मेरा तो फेवरेट रहेगा एक्सकाड्रिल गाइस, जो कि 3-star में है। और 1-star में गाइस मैं अगर करना चाहूँगा तो किसकी रेड करूँगा, वो है गाइस टिम्बर की रेड में करना चाहूँगा। और यहाँ पर एक बैड न्यूज़ आप लोगों के लिए गाइस, जो कि आपको सुनने के बाद शायद से आपको टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, बट रोना मत भाई, इतना भी कुछ बुरा नहीं है गाइस। तो जेनसेक्ट इज़ रिलीजिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है, और जनवरी में क्या क्या पोकेमोन रिलीज़ होने वाले हैं लेजेंडरी में। अगर वो आप लोगों को सच में नहीं पता है,
तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस आई बटन में लगा दूंगा, देख लेना, भूलना नहीं भैया, देखना जरूर है, और उसको भी लाइक करना है, कमेंट भी करना है वहाँ पर भी। तो इसमें बैड न्यूज़ ये कि इसका शाइनी नहीं है गाइस, मैंने कल भी कहा था, मतलब उस वाली वीडियो में भी कहा था, और यहाँ पर भी गाइस इन्होंने लिख दिया है, नॉट दैट द शाइनी फॉर्म ऑफ जेनसेट विल नॉट बी अवेलेबल ड्यूरिंग दिस इवेंट। फालतू में मौज मस्ती चल रही थी यहाँ पर है। मेगा रेट्स के बारे में अगर आप लोग का इंटरेस्ट है तो सुन लो एक बार। तो यहाँ पर गाइस आपको सीधे ही एक फुल स्टेज पोकेमोन मिलता है, जैसे कि अगर आपको चारिज़ार्ड पसंद है तो मेगा चारिज़ार्ड की कोई भी रेट कर लो, आपको वहाँ पर मेगा चारिज़ार्ड मिलेगा, प्लस कुछ मेगा एनर्जीज मिलती हैं, पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, बट मिलती हैं। वहीं पर अगर मेगा रेट्स में अगर मैं बोलूँ मेरा फेवरेट क्या है, तो चारिज़ार्ड सबका फेवरेट होता है गाइस, तो उसको नहीं लेंगे, ब्लास्टो भी सबका फेवरेट है गाइस। तो बचा है एबोमसनाओ, एबोमसनाओ इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन फॉर अल्ट्रा लीग, जो कि मेरे पास फिलहाल नहीं है गाइस, मतलब है बट उतनी पावर में नहीं है, बाकी आप पढ़ लेना गाइस। तो गाइस अब आता है मेन पार्ट, जो कि इस वीडियो में थोड़ा बताना इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में आप लोगों को पेल के कमेंट करना है नीचे, और अपनी जितनी भी क्रिएटिविटी है गाइस वो कमेंट में दिखानी है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वालों को तो हट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो लोग इस चीज़ का रिप्लाई करेंगे उनको मैं पर्सनली हट दूंगा, और उनका कमेंट अच्छा लगेगा तो हम चैट भी कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ बोल रहे हैं स्टे ट्यून फॉर कलेक्शन चैलेंज, तो एक कलेक्शन चैलेंज आ रहा है गाइज, ये समझ गया हूँ क्या कलेक्शन चैलेंज है, समझ गया मैं इसमें गाइज, मेरी ख्याल से, मैं अपना ख्याल बता रहा हूँ, इट्स माई ओपिनियन, तो ज़्यादा दिल से मत लेना कोई, ठीक है। तो कलेक्शन मतलब क्या होता है, चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है, सबको पता है, नया क्या है इसमें। तो इसमें मेरे ख्याल से चैलेंज ये होंगे कि हम लोगों को केंटो रीजन या फिर जो भी रीज़न चल रहा है, नोवो रीजन चल रहा है, इसके बाद जो भी रीज़न आएंगे उसके बिहाफ पे कुछ हमें पोकेमोन कलेक्शन करने के चैलेंजेस मिलेंगे, कि ये पकड़ लो, वो पकड़ लो, इसको इवॉल्व कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये अदरक लहसुन सब आएगा, ठीक है। तो उधर क्या होगा कि कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे गाइस, मतलब ये सेम थ्रोबैक चैलेंज हो रहा है गाइस, बट ये है कि आपको लेजेंडरी पोकेमोन्स की रेट्स करनी पड़ रही है, जो कि प्रवीण भैया, मतलब कि मैं, मतलब कि आपका दोस्त प्रवीण शर्मा जी, PRBN3122, ये आपको रेट्स प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको आज तक किसी ने रेट्स प्रोवाइड नहीं कराई है तो डोंट वरी, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना गाइस, और बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, कुछ दिनों से म्यूज़िक नहीं लगा पा रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है लैपटॉप में। तो गाइस यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक टुडे फील्ड में, टुडे व्यू में जाओगे तो वहाँ पर आपको सारी रिसर्च मिलेगी, और जहाँ कंप्लीट करने पर आपको कुछ भी मिल सकता है। सो गाइज एक बात और बोलना चाहूँगा मैं, तो इसकी डिटेल्स आपको जनवरी के स्टार्टिंग में मिल जाएगी। एक बात ये बोलना चाहता हूँ गाइज, ये उन लोगों के लिए जो लोग ये वीडियो दिसंबर में देख रहे हैं, इट्स फॉर दिसंबर पीपल। सो गाइज मुझे पता नहीं कि आपका लेवल क्या पहुँचा है क्या नहीं पहुँचा है, बट ये लास्ट वीक चल रहा है दिसंबर का, और ये बहुत बढ़िया टाइम है कि आप लोग अपना लेवल अप कर लें, एटलीस्ट लेवल 40 तक पहुँचें, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने में आपको लेगेसी 40 मिल रहा है, जो कि शायद फिर दोबारा कब मिलेगा मुझे नहीं पता, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता गाइज। तो उसके लिए क्या कर सकते हो गाइज, लेवल अप करो, एक्सेलेंट थ्रो लगाओ, और लकी एक का यूज़ करो, अगर दिव्य शक्तियाँ तो उनका यूज़ करो गाइज, और मैं आई बटन पर एक वीडियो लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा जिससे कि आप लेवल अप कर सकते हैं, बट वो वीडियो देख के अभी एक वीक में इतना लेवल अप नहीं होगा, बट फिर भी आप वो वीडियो देख के थोड़ा रफ आइडिया ले सकते हैं गाइज। सो गाइज ये हो गया गाइज आपका नोवो रीज़न, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी गाइज अभी नहीं आएगी, टाइम लगेगा इस टॉपिक पे, जो कि गाइज सीनो के ऊपर, सीनो तो सीनो रीजन में भी कुछ ऐसे ही आएगा गाइज कलेक्शन वाला, लेट्स सी गाइज। मेन चीज़ इस वीडियो में क्या है, समराइज किया जाए इस वीडियो को गाइज, तो दो चीज़ें हैं गाइज यहाँ पर, इन्होंने कैलोस का भी कुछ लिखा हुआ है बट कैलोस का ये लोग दे नहीं रहे। एक्चुअली देखा जाए तो ये टूर गाइज दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुका है, तो ये दिसंबर चल रहा है गाइस, इसमें हम लोग दिसंबर में हम लोग गाइस कैलोस रीजन के पोकेमोन्स को एंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग एंजॉय करने वाले हैं गाइस अननोवो रीजन, जो कि जनवरी के 5-6 दिन चलेगा, फिर आपका सीनो जोटो सब आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, डोंट वरी गाइस। और इसमें मेन टॉपिक क्या रहा गाइस, मेन चीज़ गाइस ये है कि आप लोगों को शाइनी पकड़ना है, मुझे नहीं पता, और आप लोग कमेंट करना कि आपके पास कितनों के पास इनमें से कौन कौन से शाइनी है, कितने भी कमेंट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो कमेंट करो गाइज, रिप्लाई मिल जाएगा, मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर देना, और सुन लो
जो लोग मेरी वीडियो डेली देखते हैं भैया रिप्लाई कर दिया करो, लोग काफ़ी सवाल पूछते हैं, मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट आप लोग कर सकते हो गाइज़। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।